हर मंथ को पर एनम बनाना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बाजार है। अच्छा ये कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं? कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। यस सर, इस बी कॉम हुआ था 215। ये कॉस्ट गैप वगैरह समझ आ गया तुम्हें? कोई यस सर। तो कन्फ्यूजन कल से रिलेटेड? तो पेज नंबर 227 गए। पेज नंबर 227 सर। लेबर की इस डिस्कशन में एक तो ये लर्निंग कर्व की स्टोरी है, एक इसमें इंसेंटिव प्लान्स भी हैं। एम्प्लॉयज को समटाइम्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ सके, उससे हमें क्या फायदा? कॉस्ट सेविंग कैसे हो जाएगी? हम तो बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, हमारे ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे, हो सकता है वेस्टेजेस रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग है जी आपके पास वेज इंसेंटिव प्लान्स। सॉरी थोड़ा सा बोरिंग सा होगा जरा, लेकिन पेन हाथ रखते रहे, स्टोरीज पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ क्या क्या याद करना है। इसमें पहले मेरा अगर पढ़े बात हो रही है एम्प्लॉइज, ठीक है, इन जनरल बोनस इंसेंटिव स्कीम्स initially had been reduced for workers who had been working under a time based system, number of hours ki base pe, in order to compensate them for their inability to increase their earnings, wage incentive plans refer to the performance linked compensation paid to improve motivation and productivity. Incentive schemes may either be अभी जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बातें मैं अभी आगे करता हूँ। लॉन्ग टर्म से यहाँ वैसे मुराद है एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शंस भी दी जाते हैं। एक तो उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसे दे दिए, डेली आर सी बेस पर दे दिए, एक ये है कि उन्हें साल के एंड में प्रॉफिट में हिस्सा भी दिया जाता है। हो सकता है टैक्स में आपने वर्ड पढ़ा डब्ल्यू पी पी एफ वगैरह, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, साल के एंड में। फिर समटाइम्स उन्हें शेयर ऑप्शंस भी दी जाती हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस का ऑनर बनाया जाता है। प्रोविडेंट फंड तो हाँ ठीक है, वो तो वो भी सैलरी का हिस्सा, ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड, लेकिन ये जो इंसेंटिव सॉर्ट ऑफ चीज थोड़ी बोनस नहीं, परकोसेट तो मेरे ख्याल सैलरी का हिस्सा ही होते, ये मेडिकल अलाउंस और इस तरह के अलाउंस, वो तो मतलब एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वो तो साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन एक एडिशनल चीज उसके मोटिवेशन के लिए। बोनस सिस्टम्स बेस वर्कर्स अर्निंग्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम सर्व एंड वर्क डन, बाकी एक स्टोरी से पढ़ते रहे फिलहाल। द इनडायरेक्ट लेबर इज यूजली पेड, अब इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होती है तो उनको आप फिर नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे आवर्स की बेस पे इंसेंटिव नहीं दे सकते, उन्हें फिर वीकली या मंथली का बोनस। सच वेजेस एंड सैलरीज मे ऑल्सो इंक्रीज बाय, अब टाइम बेस भी है, वर्क डन भी है, मतलब यूनिट्स की बेस पे भी एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है इंसेंटिव, आज सेफ्ट की बेस पे भी है। तो पहली जो चीज इस पेज पे जरा शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इस डायग्राम के नीचे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉरी बोनस सिस्टम। अगर कोई एम्प्लॉयज का अपने बोनस सिस्टम रखना है तो उसमें नंबर वन क्या होता है, एक टारगेट सेट किया जाता है और फिर परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय की उसके साथ मैच करके देखा जाता है कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं। मसलन फॉर एग्जांपल एक यूनिट को 2 घंटों में बनना चाहिए और आपने ये अनाउंस किया कि जो एम्प्लॉय एक यूनिट को 2 घंटे से कम टाइम में बनाएगा तो जितना वो टाइम सेव करेगा उसका बोनस मिलेगा। या फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 10 यूनिट्स बनाने और जो एम्प्लॉय 10 से ज्यादा बना लेगा तो यूनिट्स की बेस पे भी हो सकता है
और शायद टाइम की बेस पर भी ये टारगेट सेट हो सकता है। मेडिकल रेनफॉल वो तो कमीशन होता है ना, उसको भी टारगेट दिया होता है। मैं ये कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या और वो सर्विस है। हाँ ठीक है, मतलब उसमें भी अगर है तो उसमें भी वो भी ठीक है, वो भी इंसेंटिव है। जी जी ये जरा प्रोडक्शन के हवाले से बात हो रही है। इसे होता है फिर क्या है सर, एम्प्लॉइज फील ट्रस्टेड एंड मोटिवेटेड, उनका भी काम करने को दिल करता है, तब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। इसका क्या मतलब होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, एंड दे आर पेड मोर फॉर देयर इंक्रीज एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट द ऑर्गेनाइजेशन लेबर कॉस्ट बींग इंक्रीज्ड। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ बोनस पेमेंट्स, द टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट स्टैंड्स रिड्यूस्ड। क्यों? हाँ जी दो चीजें हो रहेंगी, नहीं फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट शायद कम हो रहे, और ज्यादा यूनिट्स बनने से पर यूनिट टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सेम रहने की वजह से कम हो जाएगी। अगर हम देखें तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बढ़ जाए शायद, लेकिन ओवरहेड में सेविंग की वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम होने से शायद अल्टीमेटली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ दे। एम्प्लॉय भी खुश, हम भी खुश, ठीक है मिला जुला। तो पहला काम क्या था, टारगेट सेट होता है, उससे क्या होता है एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं, उससे फिर क्या होता है अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग हो जाती है। तो मतलब इस तरह के दो तीन लाइन है, हर लाइन में से दो तीन वर्ड्स इस तरह से अंडरलाइन करें। देन उसके बाद फिर कुछ इन बोनस स्कीम्स की डिफरेंट तरीके दिए हैं, ये बोनस स्कीम्स कैसे कैसे बनाई जाती हैं। तो एक नंबरिंग से अगर सॉर्ट ऑफ कर ली जाए इनकी जो आगे आना, द वाइडली नॉन बोनस इंसेंटिव स्कीम्स एज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। नंबर एक, नाम जरा अगले पेजेस पे एक दो ढूंढ के, पहला कौन सा हो गया सर, हाई डे रेट सिस्टम नंबरिंग नंबर वन। देन फिर आगे एक एग्जांपल है उसके, उसके बाद पेज नंबर 229 पर इंडिविजुअल बोनस स्कीम एक आ जाएगी पहले नंबर टू, और फिर एक आ जाएगी ग्रुप बोनस स्कीम, और उसके बाद एक शायद और होगा प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम बोल के दो। हाँ जी प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, और नंबर फाइव शेयर इंसेंटिव, ये शेयर ऑप्शंस के लिए मैंने अभी बात की। वापस हाई डे रेट सिस्टम क्या है सर, अंडर अ हाई डे रेट सिस्टम एम्प्लॉइज गेट पेड एट अ हायर देन एवरेज आर्ली रेट प्रोवाइडेड दे एग्री टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट अ गिवन क्वालिटी। मसलन फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को एक घंटे के 100 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ उसे कहा गया कि अगर वो ज्यादा यूनिट्स बना लेगा तो फिर इसको हर घंटे के 100 की बजाय फॉर एग्जांपल 120 रुपीज दिए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हाई डे रेट सिस्टम। तो ये बातें बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हैं, कोई होपफुली इतना मुश्किल नहीं है। एक एग्जाम्पल देखें, शाहिद मेक्स 200 यूनिट्स इन अ 40 आवर वीक। If he were to be paid rupees 4 per hour, but 240 units, if he were to be paid, क्या मतलब? तो 4 रुपए के पर घंटा देंगे, 40 घंटों के पैसे 4 रुपीज पर आर की बेस पे देंगे अगर 200 यूनिट बनाएंगे, और अगर वो 240 यूनिट्स बना लेगा वो कहता है अमाउंट भी कैलकुलेटेड टू शाहिद, पेड टू शाहिद इन बोथ केसेस। जी सर एक हफ्ते के कितने पैसे दे रहे होंगे आप, 1600 नहीं यार इतने सारे कैसे दे रहे हैं, 40 ज़रब 4 160, और अगर वो 240 बना ले तो यूनिट्स की बेस पे नहीं रेट प्लीज, ये भी जरा सही तरह देखिए 40 × 4 ये कब देंगे, और अगर 240 यूनिट्स बना ले तो आर्ली रेट है लेकिन वो 5 हो जाएगा फिर 200 देंगे। ठीक है
लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताएं जी दोनों केसेस में। इधर देखते हैं डेटा देखते हैं, ऐसे नीचे तो लिखा हुआ देख लीजिएगा, थोड़ा सोच लें जरा। अगर 160 होगा तो यूनिट्स कितने बने होंगे 200 यूनिट्स बने होंगे, तो व्हाट शुड बी द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, कैसे कैसे 160 डिवाइड बाय 200। और 200 रुपीज अगर दे रहे होंगे तो कितने यूनिट्स के दे रहे होंगे, ये सही है जो डिवाइड कर रहा हूं मैं, आर्स रुपीज पर यूनिट निकाल रहा हूं, लेबर कॉस्ट रुपीज पर यूनिट। जी मिस्टर शाह आपका आंसर आ रहा है 0.8 रुपीज पर लगाए पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इस केस में बढ़ गई है क्या, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है इसे? लेकिन नंबर थ्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इफ द प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकॉर्डेड एट द रेट ऑफ 4 पर डायरेक्ट लेबर आर, आप क्या फाइंड आउट करना जी कॉस्ट पर यूनिट। अब मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं है बेस्ड ऑन दिस डाटा, बोर्ड पर देखा था, अगर वो 200 यूनिट्स बनाएगा तो लेबर कॉस्ट क्या होगा 160, लेबर कॉस्ट क्या होगी 160 14 into 4, ओवरहेड कॉस्ट किस तरह होगी वो भी 160 के मैंने की कैसे 40 into 4, व्हाट इज 4, ओवरहेड का रेट भी 4 है और 40 के 40 घंटे, इस केस में डिवाइड बाय कितने यूनिट्स करेंगे 200। एक मिनट बोर्ड पे देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसने 240 यूनिट्स बनाए तो लेबर कॉस्ट क्या होगी, नहीं सर ये लेबर कॉस्ट क्या होगी सर 200, ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी 40 इंटू 4 ही होगी 40 इंटू 4, लेकिन डिवाइड बाय फिर क्या होगा 240 लिखे, इधर ही लिखने साथ है। अच्छा चीजें हर एक सारी सीरियसली लेनी पड़ती है, एग्जामिनर ने ढूंढना होता है कि कौन सी चीज छोड़ी बच्चे ने, तो इस तरह की चीज अगर आ जाए खुदा ना खास ये ना हो तो ये ज्यादा जुल्म है, तो इसलिए इन चीजों को सीरियस लीजिएगा। मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में कहा कि थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग सा है, लेकिन इतना भी मेरे ख्याल बोरिंग नहीं है, अभी भी पर यूनिट पर आर में फंसे हुए हम। क्या तो बढ़ा है लेबर कॉस्ट, अगर आप देखें तो वो तो पर यूनिट बढ़ी थी, लेकिन टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्यों कम हो गई, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर थे ज्यादा यूनिट्स बनने से, ज्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड हो, ज्यादा यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने से पर यूनिट ओवरहेड्स रिड्यूस, ठीक है। और बेटा वेरिएबल चेंज होते हैं लेकिन आर्स के साथ चेंज होते हैं, अब अगर आर्स ही 40 है और रेट 4 रुपीस पर आर है तो आर्स नहीं बदले ना बेटा, यूनिट्स बदले हैं, क्या हो गए, अगर ओवरहेड्स आर्ली बेस पे हैं तो आर्स नहीं चेंज हुए ना, उन्हीं आर्स में ज्यादा यूनिट्स बन गए, प्लीज लुक एट द डाटा। ये किसका कमेंट्स थी हमारी पेज नंबर 229 के स्टार्ट,
क्या बढ़ा लेकिन क्या कम हो गया अलहमदुलिल्लाह। ओवरहेड्स क्यों नहीं बढ़े, वेरिएबल ओवरहेड्स क्यों नहीं बढ़े? टाइम सेम रहा लेकिन उसी टाइम में यूनिट्स ज्यादा हो गए, और ज्यादा यूनिट्स बनने से वही ओवरहेड्स ज्यादा यूनिट्स पर डिवाइड होने से पर यूनिट कम हो गया। ये प्लीज क्लियर है जी सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? इसका एडवांटेज क्या है सर, पढ़ क्या रहे हैं हम, मेथड का नाम क्या है, उसको कहते हैं एडवांटेज क्या है? नंबर एक, इजीयर टू कैलकुलेट है सर। ये अब इसने किसको किसके एंगल से कहा, अभी आगे जो आ रहे हैं कहता है उसके मुकाबले में अकाउंटेंट्स के लिए जरा आसानी है, इजीयर टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। इट अश्योर्स द एम्प्लॉई सर कंसिस्टेंटली, मतलब एम्प्लॉई को खुद भी नजर आ रहा है कि मुझे एक घंटे के 100 रुपए मिलते थे लेकिन मैंने जरा अच्छा काम किया है तो अब मुझे 120-125 मिल रहा है। तो उस एम्प्लॉय के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं, कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि वो बेचारा इसी चक्कर में फंसे, ये पता हुआ क्या मेरे साथ, उसे भी नजर आ रहा है मुझे भी ज्यादा मिला है, वो भी खुशी खुशी घर जा रहा है। देखते ना, एक अकाउंटेंट्स को भी के लिए भी आसानी है शायद, और दूसरा शायद एम्प्लॉय को भी महसूस हो रहा है कि मुझे आज ज्यादा पैसे मिले हैं। बस बहरहाल उसने एडवांटेज बना दिया। डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज कैन नॉट गो बियॉन्ड द फिक्स्ड आर्ली रेट फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। मसलन जरा पिछले पेज पे देखें, ये जो एग्जांपल देखिए अभी मैं, इसमें क्या लिखा हुआ था कि 240 यूनिट्स बनाएगा तो अब अगर फर्ज करें कि एम्प्लॉय बड़ा तेज है वो 260 भी बना सकता है, मुके का क्या फायदा, मैं बस 240 ही बनाता हूँ, मुझे कौन सा एक्स्ट्रा मिलना है, मुझे तो 4 की बजाय 5 ही मिलना है, आर्ली मिलना है मुझे, तो मैं 240 से क्यों ज्यादा बनाऊँ, हालांकि मैं बना भी सकता हूँ, मैं मोबाइल पे गेम क्यों ना खेलूं अगर 10 मिनट बच गया तो, क्योंकि उससे तो इंसेंटिव नहीं है। अगर ये यूनिट्स की बेस पे होता तो वो और यूनिट्स बना लेता तो शायद उसे और अच्छा लगता। तो एम्प्लॉई कैन नॉट गो बियॉन्ड द फिक्स्ड आवरली रेट फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट दे पुट इन इन द एग्जांपल गिवन अबव, इफ द एम्प्लॉई मेक्स 280 यूनिट्स इन 40 आवर्स द कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज। हमारी तो यूनिट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी लेकिन एम्प्लॉई को तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। नंबर टू, तो इसके फर्स्ट लाइन बस मेरे ख्याल अंडरलाइन रखिएगा, द हाई डे द हाई वेजेस माइट बिकम्स एक्सेप्टेबल वेज लेवल फॉर द नॉर्मल वर्किंग, हाई वेज माइट बिकम एक्सेप्टेबल वेज लेवल फॉर द नॉर्मल वर्किंग, मैनेजमेंट माइट नीड टू कीप चेक ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड, मतलब इसका यह कि कुछ अर्से बाद हो सकता है, लर्निंग हमने पढ़ी है कि पहले वो 200 यूनिट्स बनाते थे, अब लर्निंग से 240 तक आ गए, फिर आगे 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 आगे, और एम्प्लॉयज भी अब खुश और हम भी खुश, मीन्स फर्दर लर्निंग की जो ख्वाहिश है वो शायद रुक जाए, और उससे बस ये हो गया बस अब आगे नहीं जाना। अनलेस फॉर एग्जांपल एक और लेवल अगर हम बढ़ा दें कि अगर कोई एम्प्लॉय 280 तक जाएगा तो फिर हम 6 रुपीज पर आवर कर देंगे, तो शायद फिर लर्निंग का इंसेंटिव बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बस एक कॉन्स्टेंट ही रह जाए तो शायद इंसान बस उसके बारे में यूज्ड हो जाता है और बस बस ठीक है, मेरे नसीब ही है, शायद वो कुछ दिन बाद भूल ही जाए कि पहले मुझे 4 मिलते थे, अब उसे फ्री हो गया बस मुझे 5 ही मिलते हैं, बस ठीक है मेरी जिंदगी में बस 5 ही हैं, मुझे रोज एक सवाल मिलता है, मैं यूज्ड हूँ, लेकिन होना चाहिए शायद कभी 2 हो जाए, कभी और हो जाए, ताकि मतलब चैलेंज रहे ना, वरना नॉर्मल सा हो जाता कि रोज एक ही सवाल कर रहा है करना मैं बोनस मिले जी, डेफिनेटली मोटिवेशन के लिए फिर और कोशिश करते रहना चाहिए डिफरेंट तरीकों से, एम्प्लॉयज मतलब मोटिवेट रहे, वरना एक शायद क्या उसे कहते हैं मोनोटोनस शायद एक होता है कि हम यूज हो जाते हैं चीज़ों से, जिस तरह रोज आप आते हैं सिर्फ 1.5 घंटे क्लास होती है, कभी कभी होना चाहिए कि यार 2 घंटे की होगी एक्सेट्रा, ताकि आपको भी जरा जहनी तौर पर आप तैयार हैं। नंबर टू सर, इंडिविजुअल बोनस स्कीम सर, एन इंडिविजुअल बोनस स्कीम सेट आउट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड यूजुअली फॉर्म पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पहली लाइन अंडरलाइन की, एवरी इंडिविजुअल बोनस इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड इज यूनिक टू एवरी एम्प्लॉय, एग्जाम्पल करते हैं अभी स्टोरी से पढ़ो। So basically, it is an incentive whereby
एन एम्प्लॉई हैज टू क्वालिफाई टू बी एंटाइटल्ड फॉर अ, मसलन एक होता है कि ग्रुप बोनस, कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं और उस ग्रुप को एक बोनस मिल रहा है, एक हम इस वक्त क्या पढ़ रहे, हर बंदे की अपनी अपनी परफॉर्मेंस होगी, जो उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेगा उसे इंसेंटिव मिलेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल बोनस। फॉर एग्जाम्पल ₹100 पर यूनिट बोनस इज पेड टू एन एम्प्लॉय इफ ही प्रोड्यूस एटलीस्ट 500 यूनिट्स पर मंथ। इफ एन एम्प्लॉय अचीव दैट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ बोनस ऑन ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस। अब ये डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, कितने कितने पैसे लेना है। तो पहली लाइन बस इसमें शायद याद करने वाली है, कौन सी, इंडिविजुअल बोनस स्कीम सेट अप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजुअली फॉर्म पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एक एग्जांपल कर लो, पेज नंबर 232 पे एक मिनट। पेज नंबर 232 क्वेश्चन नंबर 2, और कोशिश करते हैं साथ साथ रहा। कुछ ना कुछ रहा। न्यूमेरिकल भी हो रही है। पेज नंबर कौन सा सर, 230, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉई तैयब फॉर एग्जांपल इन द असेंबली डिपार्टमेंट ऑफ मौजम लिमिटेड इज 20 यूनिट्स पर आवर। इन चीजों में बस अब नहीं फंसना और एग्जामिनर फंसा लेना आपको इधर ही। 20 यूनिट्स पर आवर इन एन 8 आवर डे, क्या मतलब, बताएं एक दिन में उसने कितने यूनिट बनाना, उसका स्टैंडर्ड। हाँ जी, एक घंटे में 20 बनाने और 8 घंटे का उसका एक दिन है, मतलब 8 घंटे उसने जॉब करनी है, तो 160 हो जाएंगे। 160 यूनिट्स इन अ डे। आर्ली वेज रेट, वेज का जो रेट है वो आज के साथ ही है। रिक्वायर्ड आपसे क्या है, तैयब अर्निंग अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड विद द वर्कर रिसीविंग 80% ऑफ द टाइम सेव्ड ईच डे एंड रिकॉर्ड इंडिकेट। आपने तैयब की अर्निंग बतानी है। नंबर 1 क्या सिचुएशन है कि इंसेंटिव प्लान यूज हो रहा है जिसमें वर्कर क्या करता है, जो टाइम बचाता है उसका 80% उसे इंसेंटिव मिलता है, और रिकॉर्ड्स ने ये इंडिकेट किया है कि मंडे वाले दिन 160 यूनिट बने हैं 8 घंटों में, हजम। ट्यूजडे वाले दिन 8 घंटों में 170 यूनिट बने, डाटा समझ आ जाएगा। वेडनेसडे को क्या किया उसने, 8 घंटों में कितने यूनिट बना लिए, लिखे करें रजिस्टर खोलो। तैयब अर्निंग्स, तैयब अर्निंग्स मंडे वाले दिन तैयब कितने पैसे घर लेके जा रहा होगा। हमने कुछ इस तरह वर्किंग करनी है जी। हाँ, मंडे वर्किंग करवाए, मंडे को उसने कितने घंटे काम किया, 160 आवर्स काम कर ली, वो जान दे एक दिन में। तैयब वो तो नहीं है, 8 घंटे मंडे को उसने काम किया और घंटे का रेट क्या है, तो 600 रुपए बनता है, ठीक है, तो ये तो उसका बनता नहीं है। अब बताएं उसने मंडे वाले दिन कोई टाइम सेव किए, क्या उसने उतने ही यूनिट्स बनाए हैं जितना स्टैंडर्ड था। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड, 20 यूनिट्स इन आवर मल्टीप्लाइड बाय 8, 160 वाज द स्टैंडर्ड। क्या उससे कोई इंसेंटिव मिलेगा, हाँ उसको सिर्फ सैलरी मिलेगी ट्यूजडे से।
ट्यूसडे सर, ट्यूसडे वाले दिन तैयब की अर्निंग्स कैसे हैं? 8 × 75 तो ठीक है। नहीं नहीं ये मतलब ये 600 रुपया तो हो गया ना, 75 रुपये पर आ रहे हैं 8 घंटे उसने काम किए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? वो मेरे साथ रहा, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ, और कंसंट्रेट करना पड़ना है, इतनी गेम सिंपल नहीं रहनी है। अब उसने यूनिट कितने बनाए हैं? उसने यूनिट बनाए कितने हैं? 170 बनाए। ऐसे बनाने कितने थे उसने? उसने कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए? 10 यूनिट उसने एक्स्ट्रा बनाए। अब आपकी जरा एफर्ट चाहिए, आप बताओ उसने कितना टाइम सेव किया? किया किया उसने टाइम सेव किया, उसने टाइम सेव किया है, बिल्कुल ठीक हो गया। उसे 8 घंटों में 160 यूनिट्स बनाने थे, ऐसी उसने 8 घंटे में बनाए हैं 170 यूनिट, तो उसने 10 एक्स्ट्रा यूनिट बना के कुछ टाइम बचाया। अगर वो ये ना बनाता वो गलत दिन बनाता। कितना टाइम बचाया उसने? आधा घंटा। कैसे पता चला? 1 घंटे में 20 यूनिट स्टैंडर्ड था, उसने 10 एक्स्ट्रा बना के हाफ आर सेव किया है। किया है, चलें किया। फोन कैसे पहुंचा यहां तक? क्लियर है प्लीज? 20 यूनिट्स पर आवर, 20 यूनिट्स पर आवर। एक और एक तरीके से वैसे किया जा सकता है, शायद जरूरत नहीं, अब पहुंच गया। अगर तो मुझे ये बता सकते हैं एक यूनिट का टाइम कितना? पकड़े पकड़े कैलकुलेटर। ना 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 ना, एक ही सेकंड पड़ेगा। एक यूनिट को बनाने का टाइम कितना? 3.75 कितने निकल गए? नहीं नहीं रुपए आप कह रहे हैं ना, मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ, मैं 20 यूनिट बनते हैं घंटे में। मैंने पूछा है एक यूनिट को बनाने का टाइम क्या जी? ठीक है, मतलब कुछ कर रहे हैं आप लोग, आप करेंगे क्या मुझे बता दें? 20 यूनिट्स इन एन आवर, तो एक यूनिट कितने टाइम में बनता होगा? अगर आप इसको जरा मिनट्स में लेंगे तो शायद आपको समझने आसानी है। ये घंटे आ रहे होंगे ना, ये 3 मिनट बनना है डेफिनेटली, को घंटे निकालो कि किया कैसे। 60 / 20 अगर मिनट्स में करेंगे तो, वरना कैसे, वरना कैसे कर सकते हैं? 20 यूनिट्स इन एन आवर, 20 यूनिट्स इन एन आवर, तो एवरी यूनिट रिक्वायर्स, तो 10 यूनिट उसने बहरहाल बनाया। कितना टाइम बचाया जाए? आई एम वर्किंग, हाफ आवर, हाफ आवर तो ठीक है ना, आधा घंटा कर लेते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बात पूरी करवा दे रहा। 0.5, ये 0.5 समझ आ गया शाह? ये सब लोगों का 0.5 क्लियर है जी? आधा घंटा। लेकिन बेटा आधा घंटा अगर सेव हुआ है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेना, हाफ आर मल्टीप्लाइड बाय, अब जरा पढ़े सर, आपको बोनस देना, बोनस देना है सर। एक घंटे का रेट कितना है? 75 इनटू 80%, आंसर बता। पॉइंट फाइव इंटू 75 इंटू 80% 60। और सजीव एक घंटा बचाता तो 60 रुपये मिलने थे यार, आधा घंटा मिला है बचा है, उसने बचाया है तो कितने पैसे देंगे? 35। दोनों कितने हो गए मिलके? 6 60, ठीक है जी 30। ठीक है सर, वेडनेसडे की वर्किंग कर। इनटू 80% क्यों किया मैंने? जो टाइम सेव करेगा उसके परसेंट। 0.5 कैसा है? 20 यूनिट्स इन 1 आवर। एक मिनट यार, मैं चाहूँ 20 यूनिट बनते हैं 1 घंटे में। हमारे इस एम्प्लॉय ने 160 की बजाय 170 यूनिट बनाया, तो 10 एक्स्ट्रा बनाए, तो 10 अगर बनाए हैं तो इसका मतलब आधा घंटा उसने बचाया।
10 units in हाफ आवर, मतलब उसने उसी 8 घंटे में 170 बना दिए, तो 170 बना के उसने कितना टाइम बचाया है? जी सर, वेडनेसडे वाले दिन क्या हुआ? 8 घंटे इंटू 75 हो गया 600। अब वेडनेसडे वाले दिन उसने क्या किया? 15 यूनिट्स अगर एक्स्ट्रा बनाए हैं, अब करें कोशिश 0.75 आवर्स, पौना घंटा 45 मिनट, 0.75 टिकट इंटू 75 इंटू 80% 45। जी ठीक है यार, लेकिन यार पर मिनट में कन्वर्ट कर, फिर मिनट्स का रेट बना डिवाइड बाय 60 कर, ठीक है, लेकिन या यूनिट्स में वर्क या मिनट्स में वर्किंग करें या फिर अगर आवर्स में करें तो दोनों तरफ आवर्स में करें, अब आंसर सेम आएगा, किया करें पर यूनिट का वो कॉस्ट निकाल और एक्स्ट्रा 15 बन रहा, ठीक है मुझे कोई इतराज नहीं, वर्किंग के तरीके हो सकते हैं और, लेकिन अगर आंसर मैच नहीं करा वो बता दो, हम आंसर मैच करें। ये प्लीज क्लियर है सर? ओ सर जी क्लियर है सर, क्वेश्चन एंड हो गए, अभी वन हुआ है, सजेशन वन बिठा दूं, ये नोट कर ले। नंबर टू पढ़ा सर, मतलब ये जो इस वक्त ये जो डाटा हमारे सामने आ रहा है ना, ये कोई ऐसे ये नहीं कि कोई कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट का सवाल है, इससे सिंपली मैथमेटिक्स सब रहेगी, तो मतलब वो जितना मर्जी स्कीम बनाए, तो नंबर टू क्या स्कीम है? हंड्रेड परसेंट बोनस प्लान इज यूज्ड एंड 880 units are produced in a 40 hour week. हमने find out क्या करना है? ऊपर वाली main requirements ध्यान में रखिएगा। हमने तैयब की earning find out करनी। तो आज आ जाएं अब number two पे। अब number two में पहले ये decide करें कि आप daily working है या कुछ weekly working है। अब daily बना के weekly या शायद directly weekly। देख ले, देख ले डाटा, देख ले डिसीजन। जी नहीं, 800 आवर्स नहीं, 8 आवर्स से एक दिन में, तो 40 घंटे काम किए ना उसने एक वीक में, वो तो बहुत कर लेते हैं, वर्किंग तो कर लेते हैं, मतलब पहले डाटा अंडरस्टैंड करना, वर्किंग इतनी इशू नहीं है। 100% बोनस प्लान है और कितने उसने यूनिट बना दिए हैं? जी सर, 100% ऊपर 80% बोनस का मतलब पहले 80% दे रहे थे, अब शायद 100%, मतलब जितने आप बचाएगा उतना पूरा दे देंगे, ठीक ये करें जी। फिर वीकली वेजेस कैसे आएंगे? वीकली वेजेस 40 × 75, तो ये 3000 तो ये हो गए। अब डिसाइड क्या करना है, क्या उसे बोनस मिलना है? बोनस मिलना है सर। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या था उसका? स्टैंडर्ड जाना दो ये आपको भाग रही है। 20 यूनिट बनाने थे उसने एक घंटे में, कैलकुलेटर उठाएं सर। हाँ जी, अब दो तरीके हो सकते हैं, 20 बनाने थे एक घंटे में और 40 घंटे का काम है, तो 20 × 40 करना, कितने बने ये? एक और तरीका भी हो सकता है, 20 × 8 करें, 160, और देन इनटू 8 करके तो ये एक दिन के आ जाएंगे ना, ठीक है, सीधे 12 आवर्स अवेलेबल है, सॉरी 40 आवर्स में कितने यूनिट्स इसका स्टैंडर्ड था? हाँ जी, इनटू 5, लेकिन यहाँ 5 बनाना, फिर वो 40 आवर्स है ना सर, तो एक 8 घंटों के अगर आ जाएंगे तो 8 × 5 देना पड़ा, ठीक है, वो तो 40 आवर्स बता रहा ना, एक दिन में अगर 8 घंटे हैं, एक दिन में अगर 8 घंटे काम हो रहा है और 40 घंटे एक हफ्ते में काम हुआ है, तो 5 दिन बनेंगे, इसका मतलब वीकेंड्स हफ्ता इतवार को कह रहा है, उसमें वो पढ़ता होगा ना, वीकेंड्स पर मतलब पढ़ते हैं,
स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये रुक जाए, सब कुछ लिखो पहले सुनना जरा। स्टैंडर्ड यूनिट्स इन अ वीक वर्किंग करवाना, छोड़ दो छोड़ो, सिर्फ देखें गौर से। स्टैंडर्ड यूनिट्स इन अ वीक बताएं कितने, 20 into 40, ठीक है, इंटू 80 into 5, 800 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स प्रोड्यूस बताएं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड 880, एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 80, 80 यूनिट बना के क्या उसने कोई टाइम बचाया? अब करें वर्किंग, ये थोड़ा लिखें और बाकी फाइनल करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना जी, एक मिनट यार, टाइम सेव, अस्सी यूनिट बना के, एक्स्ट्रा यूनिट बना के क्या उसने कुछ टाइम बचाया? कैसे पता चलेगा? एक घंटे में 20 बनने थे तो 80 उसने ज्यादा बना दिए, इट मींस 80 अगर उसने ज्यादा बना दिए तो 4 घंटे बचा गए एक वीक। 80 यूनिट्स डिवाइड बाय 20 यूनिट्स इन एन आवर, कर सकते हैं सर? 80 यूनिट्स डिवाइड बाय 20 यूनिट्स इन एन आवर टू गेट द 4 आवर्स, क्या 4 आवर्स काम किए बगैर एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए? नहीं, मतलब 4 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बजाय इन्हीं आवर्स में, असल में ये शायद 44 आवर्स का काम था। एक और एंगल से भी सोचा जा सकता है, एक बार पहले कर लें, 2-3 वर्किंग फिर बाद में लिख लीजिए। 880 लिखें कैलकुलेटर, 880 के 40 घंटों के यूनिट्स हैं, तो डिवाइड बाय 40 के नजर रखें, ये क्या मतलब है? मतलब असल में उसने एक घंटे में इतने यूनिट बना दिए। एक और एंगल से भी सोचा जा सकता है शायद, 880 दोबारा लिखें, हर घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए थे, हर घंटे में कितने बनने चाहिए थे, 20, तो 880 into 20 का नंबर, ये क्या है? 880 क्या है, 20 से क्या करवाया, मुझे इस आंसर का नाम बताना है। ये असल में 44 घंटों का काम था, 880 यूनिट्स बने हैं, हर घंटे में 20 बनने चाहिए थे, तो 44 आवर्स शायद इसको लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। लगा कितना टाइम है? तो 4 घंटे, इसका मतलब उससे कम लगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन किसी तरह प्लीज जरूर सोचें, ये ना हो कि किसी एक तरह भी ना सोचें। 880 बाय 20 समझ आया मैंने क्या किया? Yes, क्या किया? 880 यूनिट्स डिवाइड बाय 20 यूनिट्स इन एन आवर टू गेट द नंबर ऑफ आवर्स जो लगने चाहिए थे, लगे कितने हैं, ठीक है जी, बार 4 आवर्स इन एनी केस, 4 आवर्स सेव हो गए सर। फाइनल वर्किंग कैसे करूं, इन 4 आवर्स सेव की कॉस्ट कैसे निकालूं? 4 into 75, लेकिन क्या 100% बोनस है सर? तो इज इक्वल टू 300, 300 ये हो गया, 3000 क्या हो गया, तो 3300 टोटल हो गया। देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर एंगल से फाइनल है सर। क्या लिख लिया सर? नंबर 3 सर, ताइये बर्निंग कांस्टेंट जा रहा है, ये पढ़े था नंबर 3, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कटे हो गए।
एक कोटा प्रोडक्शन एक वर्ड आ गया बीच में, सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो जाएगा। नंबर थ्री कहता क्या? सर अगर हम ऑर्डरली बेसिस पे 5% इंक्रीज, हाँ जी, एक इंसेंटिव प्लान यूज हो रहा है जिसमें ये प्रोवाइड है कि आर्ली रेट में 5% इजाफा हो जाएगा, नहीं नहीं फॉर ऑल आवर्स वर्क ईच डे, हर घंटे जो काम होगा, हर एक्स्ट्रा नहीं शायद, हर घंटे का रेट, हर घंटा जिसमें काम होगा उसका रेट 5% बढ़ जाएगा, ठीक है? यस सर। लेकिन होना क्या चाहिए? कोटा चीफ हो जाए। तो पहले कोटा फाइनल करेंगे, कोटा यहाँ क्या चीज है, हाँ मतलब कोटा प्रोडक्शन यहाँ क्या चीज है, मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर कोटा बता दें, कोटा के नहीं ठीक है वो बजट, मतलब किसको कहा जा रहा है आपके साथ? नहीं यार, नहीं यार, खुदा प्लीज, मतलब कोटा किसे कहा जा रहा है? कोटा इज अचीव्ड, कोटा प्रोडक्शन के सदीक, मैंने नहीं पूछा अंग्रेजी की ट्रांसलेशन यार, कोटा बजट डिजायर्ड सब कुछ हो गया, मैं पूछ रहा हूँ इस सवाल में कोटा है कितना, 20 यूनिट्स इन अ डे इनटू 8 आवर्स इन अ डे, तो 160 यूनिट्स कोटा है। पहले तो ये फाइनल कर ले जरा, और अगर समझ आता है तो लिख लें, कोटा वही होता जो होता है, कोटा 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 मतलब जो स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ होता है, कोटा प्रोडक्शन, ठीक है? तो पहले ये क्लियर कर लें, 160 यूनिट्स की बात हो रही है। अब 160 यूनिट्स ध्यान में रखकर दोबारा पूरा पढ़ें, क्या होगा अगर 160 हो गया तो? कोटा पूरा हो जाएगा, और सर जी अगर कोटा पूरा हो गया तो क्या होगा? अगर कोटा पूरा हो गया तो रेट हर घंटा जिसमें काम होगा उसका रेट 5% बढ़ जाएगा। हाँ जी, इसके हिसाब से लग क्या रहा है? हाँ जी, मंडे वाले दिन देखें कोटा पूरा हो गया कैसे, ट्यूजडे वाले दिन नहीं, एक्स्ट्रा का कुछ नहीं देना, कोटा पूरा हो गया तो अब इसका मतलब फिर क्या हुआ कि किसी एक्स्ट्रा काम का इंसेंटिव नहीं है, सिर्फ उसने लिंक क्या किया कि कोटा कम से कम पूरा कर दो, तो क्या कोटा तीनों दिनों में पूरा हो गया? और जाने दे, कोटा तो 160 था, वो तो 170 हो गया, 175 हो गया, कोटा अचीव हो गया, कोटा अचीव हो गया, कोटा क्या निकला है, क्या करूं क्या? अच्छा मेरे ख्याल अब गेम खत्म हो गई, ठीक है? नहीं मतलब कैसे करूं आप, हर रोज सेम वर्किंग हो जाएगी, अब 8 मल्टीप्लाई बाय करवाएं, हाँ जी 1.05, ये किस दिन की वेज आ गई? मंडे करें, मंडे ट्यूजडे बैठने से, हाँ ठीक है सेम हो जाएगा, लेकिन सेम क्यों हो जाएगा जरा ये क्लियर हो गया। हाँ जी, कोटा प्रोडक्शन वॉज 1860, और अगर कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी तो वो कहता है कि आपका आर्ली रेट 5% का इजाफा हो जाएगा, और हर वर्क डार था तो 8 into 8 into 8, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दिन 155 होता, लेट्स अस्सुम जी वेडनेसडे को 155 डेज होते, सॉरी 155 यूनिट्स होते, तो 8 into बस 75, क्योंकि फिर कोटा अचीव नहीं हुआ, और लग ही रहा है कि अगर कोटा अचीव हो गया तो फिर फर्दर इंसेंटिव कोई नहीं है अगर एक्स्ट्रा काम हो जाए, तो अगर 160 से ऊपर चला गया तो उसके किसी एक्स्ट्रा इंसेंटिव का जिक्र नहीं है, और डेफिनेटली फिर हमने ये नहीं कहना होना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है नहीं। हाँ जी ठीक है, ना ना वैद ऐसा ना बन गया, खुदा के लिए मेरे जैसा बन गया, एक सेकंड जरा एम्प्लॉय बन के सोच रहा है, तो इंसान कभी कभी बीमार हो सकता है, कभी लेट आ सकता है, नहीं मोबाइल तो छोड़े, वो तो एक बेसिक ह्यूमन मतलब है ही है, उसकी तो बात ही ना हो सकती, वो तो है ही है ना, मतलब किसी कॉल आ गई बंदा उठ के जा सकता, वो तो अंडरस्टूड बात है, इंसान है बीमारी हो सकती है, बात मतलब किस दिन हाथ में दर्द हो रही है ना, ऐसे जालिम ना मान, डिडक्शन नहीं सर, इंसेंटिव है, कोई नहीं अपने ही है, सारी जिंदगी बेचारा मेहनत करता रहा, एक दिन हो जाता है, डिडक्शन नहीं, एम्प्लॉय बन के सोचे, एम्प्लॉयर बन के ना सोचे, हम क्या बन के सोचे, हम हमेशा वहां बन के सोचे जहां पे हम अफेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं वहां होता तो मेरे साथ क्या होता, क्योंकि ये तो दुनिया का निजाम है, कभी बंदा इधर होता कभी उधर होता, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में का फर्क है, सिर्फ एंड में आर है, ई और आर का फर्क है, तो वो वक्त
आपके हाथ में सर, ये स्टोर तो वैसे ही असल में स्टोर मेरे साथ फंस गया ना, ये और जालिम और फिरौन कहाँ बेचारा फिरौन मुझे देख के, आंसर बताइएगा सर। 6:30 पर डे और डेफिनेटली तीनों कांस्टेंट हुए हैं, मैं जान पूछ के जरा अलग लिख रहा हूँ, डेफिनेटली इंटू थ्री किया जा सकता है, इंटू थ्री किया जा सकता है सर, क्यों किया जा सकता है, काफी दफा दोबारा ये लफ्ज बोल रहे हैं। ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, मैं बार बार फोकस करूंगा, जरूर इन चीजों को भी सीरियस लेना है, बाकी चीजें तो आपने सीरियस ले ही लेनी है। सर आप बताएं, 3:1.05 ना होता अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ठीक है सर, ठीक है सर, नोट कर लिए। आए जरा यार बोरियत से अगर आज ही जान छोड़ दिए वापिस आए, कहाँ पर यहाँ पहुंच गए थे बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट से नोट कर लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट से नोट कर लिए, वो सर हम आगे हैं ग्रुप बोनस स्कीम। हाँ याद करने वाली चीजें वो भी मैं बताता जा रहा हूं। इन केसेस वेयर इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड एंड एम्प्लॉइज वर्क एज अ टीम, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स बिकम इम्प्रैक्टिकेबल। देखिए आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान में फुटबॉल्स बनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद फुटबॉल वो असल में सिया जाता है, तो वो शायद एक इंडिविजुअल सी देता हो, एक इंडिविजुअल अपना अपना मतलब विजुलाइज करें, हर लोग पर्सन बैठे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी बनाई जा रही है, मैकेनिक्स होंगे जो शायद उसके पार्ट्स को, फिर असम्बलर्स होंगे, फिर पेंट करने वाले होंगे, तो एक पूरी एक गाड़ी को बनाने में कोई एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है, एक ग्रुप होगा शायद, वो पूरी टीम काम कर रही होगी। तो अब इस केस में किसी एक इंडिविजुअल का बोनस कैलकुलेट नहीं होगा, पहले टीम का होगा, फिर शायद वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसके फिर अपने प्रॉब्लम्स है। अब इस टीम में अगर कोई मेरे जैसे लोग भी हैं और कुछ आप जैसे भी लोग हैं जो काम करना चाहते हो नहीं है, वो ये भी प्रॉब्लम्स फिर रहती हैं, लेकिन मजबूरी हो जाती है समटाइम कि टीम के साथ फिर ग्रुप बोनस स्कीम को लिंक करना पड़ेगा। तो बाकी जो मैंने अगली बात की है कि लोग कैसे कैसे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे आ रही है। तो इन सम केसेस, दोबारा जरा मेरी एक दो एग्जांपल्स मैंने दी इनको ध्यान में रखकर, वेयर द इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड एंड द एम्प्लॉइज वर्क एज अ टीम, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स बिकम इम्प्रैक्टिकेबल। इन सच सिनेरियोस ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स आर फाउंड टू बी मोर रेलेवेंट एंड फीजिबल, इवन इन दिस केस, इवन इन केसेस वेयर एन इंडिविजुअल अलोन कैन नॉट कंप्लीट हिज जॉब विदाउट द कॉर्पोरेशन, विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द फेलो वर्कर्स, देयर टू Incentive schemes are ठीक है preference, पहली दो लाइन पर अंडरलाइन करें। ग्रुप बोनस प्लान्स, सेकंड पैराग्राफ, रिवॉर्ड ऑल टीम मेंबर्स इक्वली बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर्स। इक्वली क्यों? ग्रुप में काम इस केस में अगर आप किसी को ज्यादा रकम देना चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो वो एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, बस काम ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो बस वो फलाना नंबर बनाता है और ये करते हैं, तो फिर इसमें इक्वली दिया जाता है। लेकिन इक्वल देने में क्या प्रॉब्लम है, जो पेंट करने वाला बड़ा एफिशिएंट है और उसे भी नजर आ रहा है एक और भी है टीम में, वो आराम से लगा हुआ है, उसका भी दिल टूटेगा, तो फायदा क्या हुआ मुझे अगर उसे बराबर ही मिलना, वो भी इस चक्कर में ना पड़ जाए, तो इसके फिर ड्रॉबैक्स भी हैं अपनी जगह। इट यूजुअली कम्स इनटू प्ले व्हेन इंडिविजुअल आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, देयरफॉर टीम परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब रादर देन द, फिर इसमें यह भी देखा जाता है कि कम टाइम में काम हुआ है रादर देन के कितने यूनिट्स बने, ये क्यों है? मतलब उन्हें फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि 10 गाड़ियां असेंबल करके आपने फिनिश करनी है, तो एक गाड़ी का स्टैंडर्ड टाइम बता दिया, तो उसमें ये बता दी कि कितना टाइम एक स्टैंडर्ड है
और फिर कितने टाइम में काम हुआ, और जो कम टाइम में काम करेगा, अगर जिस टीम ने कम टाइम में काम किया होगा उसको बोनस मिल जाएगा। यूजुअली द बोनस अर्नड बाय द ग्रुप इज डिवाइडेड अमंग द ग्रुप मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव। फिर इसमें ये भी डिफरेंटली हो सकता है, कुछ सीनियर इंप्लॉयज हैं कुछ जूनियर इंप्लॉयज हैं, तो इक्वली डजंट मीन्स कि डिवाइडेड बाय फाइव या फोर कर दिया रहेगा। इक्वली मीन्स शायद होगा कि उनकी जो रिस्पेक्टिव वेज है उसको बेस बना के, ठीक है। बाकी अभी वर्किंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अ बोनस मे बी पेड टू डिपार्टमेंट विच हैज अ रिजेक्ट रेट इन यूनिट ऑफ आउटपुट बिलो अ, फिर ये भी हो सकता है कि जिसके रिजेक्शन सबसे कम होगा, जो कम यूनिट्स वेस्ट कर रहा होगा, कुछ याद है वेस्टेजेस इसमें, वो ग्रुप जो सबसे कम रॉ मटेरियल वेस्ट करेगा, वो ग्रुप जो सबसे हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो डिफरेंट तरीके बता रहा है इसमें। अब जो लाइनें याद करने वाली वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट टू लाइंस, थ्री लाइंस हमने कही हैं, और सेकंड पैराग्राफ की एक फर्स्ट लाइन शायद, बाकी एक स्टोरी चल रही है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सर? ग्रुप स्कीम्स रिड्यूस क्लरिकल एफर्ट। पहले तो अपने कॉस्ट अकाउंटेंट्स के एंगल से ये बात की कि अगर हम हर बंदे का बोनस बना कैलकुलेट करने लगेंगे तो हम अकाउंटेंट्स का टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर ग्रुप का बोनस कैलकुलेट करेंगे तो ग्रुप्स ज्यादा होंगे या कंपैरेटिवली कम होंगे, तो हमारा क्लरिकल एफर्ट का टाइम बच जाएगा। रिड्यूस द क्लरिकल एफर्ट्स टू बी पुट इन द कैलकुलेशन। जी मतलब कैलकुलेशन यार, कागज पेंसिल सफे, दे आर इजी टू बी एडमिनिस्ट्रेटर। वो कहता है इसे आसान तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ग्रुप स्कीम्स इम्प्रूव द टीम कोहेशन, ये क्या चीज है, आपस के ताल्लुकात बढ़ते हैं सर, कि हमने एक दूसरे की हेल्प की है, हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम किया और एक बोनस कमाया। टीम कोहेशन, लोगों का आपस में ताल्लुक इंप्रूव हो रहा, ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, ताल्लुकात इंप्रूव हो जाते हैं। ग्रुप को ही है, आपस के ताल्लुकात में मतलब इम्प्रूवमेंट आती है, हम मिलजुल के कमा रहे हैं, भाईचारा, आपस के ताल्लुकात टीम को ही है। लेकिन इसके फिर ड्रॉबैक्स भी हैं। टीम को ही है ना, अगर ज्यादा हो जाए तो मेरे जैसे जिन्हें ज्यादा सेंस नहीं है वो आराम से लगे मैं काम करना है, और एक कोई आगे यार जान दे की हो गया, अपने मिलना है सबनों बराबर मिलना है, छाट आ जा चलिए। मेरी सही भी, सॉरी मैंने उलट कह दिया, मेरे आप वो तो आप जैसे ठीक है। डिसएडवांटेज, एम्प्लॉयज माइट डिमांड, जब सर जी टीम बन जाती है ना तो वो मिलजुल के जाके दरवाजा खटखटाने शुरू हो जाते हैं, सर जी बड़ा मुश्किल है, वो चार पांच बंदे इकट्ठे यूनियन से बना के पहुंच गए, ये नहीं हो सकते, ये तो बड़ा मुश्किल टारगेट्स है, जाके प्रेशराइज। अच्छा फिर हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पूरी जा रहे हैं, ये भी एक वो अपनी वो वर्थ नजर आना शुरू हो रही थी, इकट्ठे मिल गए हम, टीम बन गई, आओ यार चले इकट्ठे के चलते हैं कोई, आओ आओ सैलरी बढ़वाइए, इतने इतने यूनिट्स कैसे बन सकते हैं टाइम में, बंदे ने कॉल भी करनी होती है, तो डिमांड यूनिट्स वो टारगेट कम करें, 1 घंटे में 20 यूनिट नहीं बनते, आओ आओ कोई नहीं चलिए आओ, वो इस चक्कर में पड़ रहा। एम्प्लॉइज माई डिमांड फॉर अ मिनिमम टारगेट, सॉरी मैं जरा प्रैक्टिकली थोड़ी बता रहा हूँ बात, शायद ऐसा होता है। एम्प्लॉइज माइट डूइंग द बेस्ट एंड द वर्स्ट माइट फॉल विक्टम टू द टीम पॉलिटिक्स, ये समझेंगे क्या, ग्रुपिंग हुई हुई है और वो जो मेहनती बंदा है वो आइसोलेट हो जाता है, जैसे सलमान काम करने वाला हमेशा आइसोलेट होता है, कोई भी नहीं साथ बैठा हो तो बेस्ट एफर्ट करने वाला वर्स्ट एफर्ट करने वाला बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। और उससे फिर जो नहीं काम करने वाले होते हैं वो सारा दिन वेले होते हैं, इसलिए ग्रुपिंग कर लेते हैं आराम से बैठ के, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, और जो कर रहा होता है उससे निकलवाने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि सब वैसे ही होते हैं। देखिए क्योंकि काम करने वाला होगा ही नहीं तो वो कैसे पिन पॉइंट होंगे कि ये बस काम कर रहे हैं, बुरा काम करने वाला नजर कब आएगा, जब अच्छा काम करने वाला कोई होगा तो बेस्ट क्या है, हम अच्छा काम ना करें किसको गायब करवा दें ऐसे ही होता है अनफॉर्चुनेट रियलिटी के, कौन बुरा लग रहा होता है, मेरे जैसे लोगों को जो इस तरह के होते हैं जो गलत काम करते हैं उन्हें कौन बुरा लग रहा होता है, उनका दिल क्या करता है ये भी गायब हो जाए, उससे क्या होगा, अच्छाई बुराई की तमीज ही खत्म हो, सब एक जैसे ही,
तो ये नहीं होता कि मेरे जैसे लोगों का मोटिवेशन हो रही है बड़ा बड़ा बड़ा, या ख्वाहिश क्या होती है कि ये आए ना करे, ये तो एक जवाब दे रहा होता है ना, उसे ढूंढ रहे होते हैं हम ये कौन है, फिक्र बोली जा रहा है। नहीं कोई मसला नहीं सर, फिर हम कहते हैं कि लोग हैं ही ऐसे, पांच बंदे हैं कोई भी काम करने वाला नहीं है, तो अब मैनेजमेंट भी मजबूर है, इन्हीं से करवाएगी वो थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं, बंदा ही कोई ना हो, नहीं थोड़ा बहुत कर लेंगे, इतना भी नहीं है। क्यों नहीं अप्लाई होगी, क्यों एमी हम कहेंगे जी भाई जान एक घंटे बनते ही 5 मिनट है, आप एमी 10 कहीं जा रहे हैं, और अगर हमने 6 भी बनाए तो हम बोनस दें, सर आप इजी ले रहे हैं हमारे। सर ये तो इसकी एडवांटेज की डिसएडवांटेज बन रही है सर टीम को, हाँ जी ये कंपनी के एंगल से, नहीं नहीं कंपनी के एंगल से ये मतलब एक तो एडवांटेज है ना कि लोग अलग पॉजिटिव सेंस में ना, एक तो इनके ताल्लुकात इंप्रूव होंगे, मिलजुल के अच्छे तरीके से रहेंगे, खाएं पिएंगे और काम किया करेंगे, और लेकिन उसी का एक डाउनसाइड क्या है, अगर मेरे जैसे टीम में आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम भी है, तो कोशिश क्या करनी है कि मेरे जैसे लोग अब खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। वैसे चेंज आ गया हुआ अल्लाह का शुक्र, मेरे जैसे लोग नहीं नजर आते, मिशन ये है सर, चेंज आ चुका है सर। क्या खुदा ना खासा आप कभी ऐसी हरकत करेंगे कि कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है और आप उसके खिलाफ हो जाए, कैसे हो सकता है? ये तो मैं पुराने जमाने की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ठीक ही ढूंढना आपको, क्यों साहब कैसे हो सकता है, हम उसे देख के खुद काम करेंगे ना यार, कमाल है। एक शख्स अगर पढ़ रहा है मेहनती है तो हम उसे देख के मोटिवेट नहीं होते। एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री सर, सॉल्यूशन सिर्फ ये है सर, काम के वक्त काम, रिलैक्सेशन के वक्त रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का कोई भी खिलाफ नहीं है, और अगर मैं खिलाफ हूं तो मैं गलत हूँ, लेकिन किस वक्त क्या और किस वक्त क्या है ये शायद डिसाइड होना चाहिए। क्यों सलमान, काम के वक्त क्या होना चाहिए और रिलैक्सेशन के वक्त भी ठीक है, सिर्फ रिलैक्सेशन है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, काम के वक्त भी रिलैक्सेशन जहन में होती है और रिलैक्सेशन के वक्त तो कभी काम जहन में नहीं आया। नंबर वन सर, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, यही नंबर क्या है यार, अच्छा काम जो है कंसंट्रेशन का, और अगर एक दफा सेंस आ जाए फिर मुश्किल नहीं है। एम्प्लॉइज ऑफ अब्दुल्ला इंटरप्राइजेस वर्क ऑन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5+ ग्रुप लीडर्स, इनमें रखना जी ठीक, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द ग्रुप फॉर अ ग्रुप इज 4000 यूनिट्स, सॉरी 400 यूनिट्स, सॉरी देन अ बोनस ऑफ 120 पर यूनिट इज पेड विद ₹100 बीइंग डिवाइडेड इक्वली अमंग द 5 वर्कर्स एंड द रिमाइंडर पासिंग टू द ग्रुप लीडर हु इज आल्सो पेड अ वीकली सैलरी ऑफ 3000। दिस इज द ट्रांसलेट करना, वर्कर्स को ₹60 पर आवर, 400 यूनिट्स तक मेरा बोनस शुरू हो जाता, हाँ जी 120 पर यूनिट, उस 120 पर यूनिट का एक ब्रेकअप बताया उसने, और मेरा ख्याल है बताया बड़े डिफिकल्ट तरीके से, लेकिन है बिल्कुल आसान ही, बनता 20 20 ही है, सोचे जरा 6 पे डिवाइड हो रहा है, मतलब 100 उसने कहा जी 5 पे डिवाइड होना है और रिमाइंडर 20 ही बचेगा फिर ग्रुप लीडर का, क्या क्या ख्याल है कितना कितना बन जाना, 20 ही बन रहा। फैक्ट्री ओवरहेड इज 60 पर आवर एंड इंक्लूड्स द ग्रुप लीडर्स अर्निंग, उसकी क्या वजह है, ये सुपरवाइजर सैलरी टाइप जो होती है, कोई अपने ज़हन में लाया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मेरा ख्याल फैक्ट्री ओवरहेड इसका हिस्सा होती है, तो कुछ सुपरवाइजर टाइप लग रहा है ग्रुप लीडर, तो लिख लें जरा साहब ग्रुप लीडर की अर्निंग फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों शामिल है, शायद कुछ सुपरवाइजर टाइप चीज है, सुपरवाइजर सैलरी, सॉरी सुपरवाइजर सर ऐसे नहीं है, मैं वैसे ही अज्यूम कर बैठा हूं। प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर ऑफ अ ग्रुप फॉर 1 वीक, प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर अ ग्रुप फॉर 1 वीक शोज मंडे,
सबसे पहले एक छोटी चीज आपने क्लियर करनी है, इस डेटा में कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। मंडे वाले दिन वो कहता 40 घंटे काम हुआ, ये कैसे हो सकता है? मंडे को तो इतने घंटे नहीं होते, बंदे 5 है, शायद 8 बनते हैं, सबने अपना अपना करना है। तो 40 घंटे मींस ग्रुप में 5 बंदे ऐसे ही है? और कितने यूनिट्स बनाए मिलजुल के? फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह। हफ्ते में कितने दिन काम हुआ? 5 दिन। टोटल कितने घंटे काम हुआ और कितने यूनिट्स बन गए? 452 टोटल बन गए, उसका ब्रेक डेली ब्रेकअप दिया। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या थी, ढूंढने था पर 400 यूनिट्स थे 40 आर वीक में। ठीक है, ग्रुप प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर अ ग्रुप 400 यूनिट्स फॉर अ 40 आर वीक। ऐसे 40 आर वीक का मतलब एक वीक में 40 घंटे काम होगा। सॉरी नहीं, मतलब 40 आर वीक मतलब एक हफ्ते में 40 घंटे काम होगा। पहले रिलैक्स, लेकिन बंदे 5 हैं तो 14 x 5 कर लें, एक मिनट कर लें, बल्कि ये वाली बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए इस स्टोरी में। 400 यूनिट्स ग्रुप ने बनाने हैं, देखिए हफ्ते में 40 वीक ही है इस जो स्टोरी है ना, मतलब इसमें उसमें हफ्ते में 40 वीक नहीं है, हफ्ते में 40 घंटे हैं, लेकिन हर बंदे ने अपने अपने घंटे काम करना। क्या ख्याल है? तो 5 अगर बंदे हैं तो वो 200 घंटे हैं, एक हफ्ते में 200 घंटे, तो वो काम हुआ है। आप मुझे ये बता सकते हैं स्टोरी में कहीं से कि एक दिन में कितने यूनिट्स स्टैंडर्ड है? ये करें जरा एक छोटी सी वर्क, इतना कर सकते हैं हम? ये नहीं, एक दिन में स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने, वो कैसे? 400 डिवाइड बाय ये 5 कहां से आ रहा है बार बार? 5 वर्किंग डेज। तो 400 डिवाइड बाय 5, 80 पर डे डन। 80 पर डे डन है सर? कैसे? तो पहले तो ये छोटी सी वर्किंग यही करें, 400 ये देखिए लिख लें, बाद में भी सॉल्व करना पड़ना है, लंबा सवाल है। 400 डिवाइड बाय 5 डेज, 400 यूनिट्स, डिवाइड बाय 5 डेज, तो 80 यूनिट्स पर डे। एटी यूनिट्स पर डे। ठीक है, चलो आगे। देन एक हफ्ते में काम कितने घंटे हुआ, मतलब 200 कैसे बना? भी हम 40 कह रहे हैं, कभी 200 कह रहे हैं। 5 बंदों ने 200 घंटे काम किए, और 200 घंटों में फिर यूनिट्स कितने बने? एक अगर इसे इस एंगल से सोचा जाए 452 बनने कितने चाहिए थे? एक छोटी सी वर्किंग और करें, व्हाट इज टाइम पर यूनिट? टाइम पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ रखना जी, प्लीज अपना काम सर। ये बेटा 40 आर वीक, एक हफ्ते में लिखा हुआ है 40 आर वीक, लेकिन 5 लोग जेन में रखिएगा, तो 40 × 5, एक मिनट, 40 × 5 से ये 200 घंटे बने हुए। एक मिनट लिखिए, ये क्लियर हो गया प्लीज? 40 आर वीक है हर पर्सन के लिए, इंटू फाइव करके 5 persons 200 आवर्स,
पांच बंदे 200 आवर्स में काम करेंगे, पांच बंदे एक हफ्ते में 200 आवर्स काम करेंगे, और उन 200 आवर्स में कितने यूनिट स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट क्या रखा आपको, क्या बना, कैसे कैसे 400 यूनिट डिवाइड बाय 200 या 400, 200 डिवाइड बाय 400 या 400 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय व्हाट इज 200 आवर्स और 400 यूनिट्स, तो हाफ आवर लेकिन छोटी सी वर्किंग है, हाफ आवर पर यूनिट। ये 0.5 आवर्स पर यूनिट से जरा एक छोटी सी वर्किंग और कर दें, हाउ मेनी यूनिट्स इन एन आवर, कर दे वैसे ही मत, यूनिट्स इन एन आवर, स्टैंडर्ड यूनिट्स इन एन आवर, ये लिखे प्लीज देखते जाएं जरा इधर की चाहे लिखा, स्टैंडर्ड यूनिट्स इन एन आवर नहीं, मतलब यहाँ से सीधा वर्किंग हो सकती है, मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं है, आधा घंटे में एक यूनिट है तो एक घंटे में कितने यूनिट, टू यूनिट्स पर आवर। ये बड़ा ये जो 10 आप कर रहे हैं ना, तो 10 ने फिर डिवाइडेड बाय 5 होना है, वो बंदा पांच भी वहां, वो 10 ने जो बन रहे ना तो 10 यूनिट्स आ रहे हैं, वो 10 यूनिट्स पर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये बात बन रही है, वो पांच बंदों ने मिल के, पांच बंदों ने अपना अपना टाइम लगा के एक यूनिट बनाना, ठीक है, तो दो यूनिट बनेंगे घंटे में, आप अगर 10 बना रहे हैं ना तो 10 जो फर्दर है वो पांच बंदे भी हैं, तो एक नजर देख लें जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट एक क्लियर है प्लीज, 0.5 पर आवर, सॉरी 0.5 आवर्स पर यूनिट, और अगर आधे घंटे में एक यूनिट है तो दो यूनिट बनेंगे घंटे, दो यूनिट्स पर आवर पर वन आवर, एनी कंफ्यूजन जी, पर डे यूनिट्स जो 80 आ रहे हैं इसको अगर 8 से आप डिवाइड करें तो ये 10 बनते हैं, नहीं मेरे ख्याल 80 घंटों में 8 घंटों में 8 घंटों में 80 यूनिट, 8 घंटे में 80 यूनिट, लेकिन असल गेम क्या है, 8 घंटे एक बंदे ने लगाने, तो इसको पहले करें 5, एक मिनट करें, अब बने 40 घंटों में 80 यूनिट है असल में, और फिर मींस आधा घंटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार जरा एक दो चीजें मिक्स हो रही हैं, एक है 40 आर वीक, ऊपर चलेंगे दोबारा 40 आर वीक है जय साहब, 40 आर वीक एक है, नीचे मैंने इसलिए आपसे एम्फसाइज किया था मंडे को 40 घंटे फिर कैसे लग गए, तो बाकी 40 घंटे एक वीक में है एक बंदे के, और 5 पर्संस की वजह से ये हो गए 200 घंटे, और अगर आप प्लीज पहले अगर 40 की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं तो फिर वो शायद आपको दोबारा 5 पर्संस कंसिडर करने पड़ेंगे, तो आपने बिल्कुल ठीक किया जो इन्होंने किया, वो भी सब सुनाइए जरा, 80 क्या है, बल्कि पहले 400 के दोबारा ऊपर से चल दें जहां से वर्किंग शुरू की, 400 यूनिट्स हैं 5 दिनों में, तो आपने किया डिवाइड बाय 5, तो आगे 80 यूनिट एक दिन में, फिर अगला सवाल डेफिनेटली ये आया कि एक दिन में घंटे भी तो 8 है, अगर 40 घंटे हैं एक हफ्ते में और हफ्ते के 5 दिन काम हो रहा है तो 8 घंटे पर डे हैं, लेकिन ये 8 घंटे पर डे एक पर्सन के, तो इनटू 5 एक मिनट अगर करें तो 40 आवर्स में असल में 80 यूनिट्स हैं, विच मींस हाफ आवर में एक यूनिट बन गया, अब ठीक, ठीक है, मतलब वो ठीक है, वो तो अब डेफिनेटली हम सही, अच्छा है, उधर से सोचो, लेकिन मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे मींस मेरी इन फिगर्स से आपका आप मैच, आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपने ठीक किया 80 डिवाइड बाय 8, 80 डिवाइड बाई 8 से 10 आए, ठीक है ये, लेकिन उसे उस 10 से पहले अगर 8 को इंटू 5 करना है वो जरा ज्यादा सही आंसर आएगा, क्योंकि फिर डिवाइड बाय
टेन डिवाइड बाई फाइव में बोलूंगा तो अजीब लगेगा. व्हाट इज एटी पीस यूनिट्स इन अ डे. लेकिन ये पांच बंदे मिलके ग्रुप में बनाएंगे और हर बंदा अपना अपना टाइम लगाएगा, तो अपना अपना आठ घंटे लगाएगा, तो आठ इंटू पांच 40 आवर्स में ही 80 यूनिट्स. अब ठीक है, एम्प्लॉयज के अब जो कंबाइन 40 आवर्स लगेंगे उसमें ये 80 यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड है. अब डन है प्लीज. और टू यूनिट्स इन एन आवर कह लें या हाफ आवर पर यूनिट, ये सही है. टू यूनिट्स इन एन आवर क्या मतलब? आधे घंटे में एक यूनिट, इन अदर वर्ड्स एक घंटे में दो यूनिट. अब अंडरस्टैंड है पहले डाटा, ये रिक्वायरमेंट. अभी रिक्वायरमेंट तो पढ़ी नहीं हमने. वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग क्या? द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट. कन्वर्जन कॉस्ट कैसे कहते हैं? सही बताइएगा यार, प्लीज सही बताइएगा. लेबर कन्वर्जन मीन्स डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड. और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल अब आ गया. कन्वर्जन मीन्स डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. क्या फैक्ट्री ओवरहेड में वो भी और वो भी? यस, वो भी और वो भी. वो कौन सा? एक प्राइम कॉस्ट वर्ड है और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड है, मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? रिक्वायरमेंट टू बाद में पढ़ते. अर्निंग ऑफ द ग्रुप अर्निंग्स ऑफ द ग्रुप वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप सही एफर्ट कीजिएगा. जी हेल्प मी हियर. जी बिल्कुल ठीक है, बेसिक ढूंढे आप. जी नहीं सर जी, मेरा नहीं ख्याल अभी उसकी जरूरत है, वो तो बात की बात है ना भाई, वो देखते हैं बाद में. पहले तो शायद चीज है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ ज्यादा ही सिंपल है. तो बता सकते हैं ग्रुप ने एक हफ्ते में कितने दिन, इतने सॉरी घंटे काम किए? ये घंटों की क्यों मैंने बात की है? क्योंकि जो रेट दिया हुआ है लेबर रेट होने कहीं तरह, और लीडर की एक्सक्लूजन है. क्या करना? 200 घंटे क्यों उठा रहा हूं, यूनिट्स क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि रेट पर आर अवेलेबल है. व्हाट इज द रेट पर आर? 60. 200 में क्या सारे इंप्लॉई आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे. अगर आप 40 इंटू 60 करेंगे तो सिर्फ एक इंप्लॉई आएगा, और इंटू 5 करना पड़ेगा. देख लो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है वो भी. जी मिस्टर शाह 200 इंटू क्या करूं? आंसर आएगा 12,000. क्या है ये 12,000? ये तो उसकी बेसिक अर्निंग होगी. अब ढूंढने के कोई बोनस स्कीम भी है बीच में? वो बोनस स्कीम का लिंक किससे है? अच्छा छोड़ दे, लिखना मेरा नहीं ख्याल, दो लाइने ऐसे बाद में लिख दीजिए. बोनस का लिंक किससे है? किन यूनिट से? हाँ जी, एडिशनल यूनिट से. कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स? 52 से. हजम था 52. जी बताइए बोनस कैसे कैलकुलेट करो? 50 into 120 क्यों ना करो? वो ग्रुप लीडर भी गेम भी है, और कह रहा एक्सक्लूडिंग ग्रुप लीडर, वरना वो डेफिनेटली इनटू 120 होना चाहिए. कितने यूनिट्स बनाए गए हैं? 452. स्टैंडर्ड क्या था? कितने एक्स्ट्रा बने हैं? तो 52 इंटू 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रुप लीडर को एक्सक्लूड करके वर्किंग करवा रहा, तो 52 इंटू 100 विच मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह 5200, एंड विच मीन्स टोटल अर्निंग्स 17,200. आज इकट्ठे हो यहाँ. जी वो तीन चीजें मांगी उसने. आ रहे हैं नहीं, वो उसने मांगा नहीं ना, उसने उसने वीक अर्निंग मांगी. अभी जो आप कह रहे हैं वो उसने अगले दिन मांग ली है, डेली अर्निंग मांग ली. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहुंच गया सही आप.
उसने लेकिन यहाँ वीक की अर्निंग मांगी, फिर अगर डेली वर्किंग करनी हुई तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे से थर्सडे फ्राइडे 5 इंशाल्लाह वर्किंग करता है। टोटल अर्निंग आ गई किसकी? ग्रुप की एक्सक्लूडिंग टीम लीडर। आने दे सर, ये आने दे, बस ठहर दे, दो तीन छोटी छोटी वर्किंग और मांगी उसने इसी लाइन में। ये 17,200 बेटा हो गया सबका। अगली बात क्या कर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताएं कैसे निकालना। 17,200 लेबर कॉस्ट पर यूनिट जी, ठीक है। 17,200 इज द लेबर कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 452। तो इज इक्वल टू 38.05 जी डी। लेबर कॉस्ट में तो फिर वो बेटा नहीं, वो तो उसने एक्सक्लूड किया हुआ ना यार, अलग वो वैसे भी वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर शायद कह रहा है, एक्सक्लूड करके कह रहा है यार वो। जी सर, थर्ड वन, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट होने नहीं कहीं, ओवरहेड कॉस्ट कहीं दी भी है। फैक्ट्री ओवरहेड इज नहीं, अब जरा पढ़िएगा सेंटेंस है, वीक्स वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग लीडर हो गया, ठीक है। लेबर कॉस्ट भी हमने निकाल ली, लेकिन अब जब फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या रेट इसका दिया हुआ? 60 पर डायरेक्ट लेबर आर, और इसमें ग्रुप अगर लीडर शामिल है तो मेरे ख्याल है यहाँ पे अब हमें इतराज क्यों नहीं होना चाहिए। वो ग्रुप की अर्निंग एक्सक्लूडिंग लीडर, लेकिन क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में ग्रुप लीडर शामिल होना चाहिए? मेरा ख्याल है फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट लेबर में तो शामिल होना चाहिए। नहीं, अब उसने रेट दिया हुआ ना 60, उसकी सैलरी है 3,000, लेकिन उस 3,000 की बेस पे उसने, लेकिन उस 30,000 में जमा और भी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। एक मिनट रुके, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जरा लिस्ट बोले जरा, 4-5। डेप्रिसिएशन वगैरह 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 वो सब कुछ भी तो होंगे ना, और उसमें 3,000 भी होगा और शायद रेट उसने बताया। हाँ जी, फिक्स भी होंगी, वेरिएबल भी, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, क्या ख्याल है बताएं जी कैसे करूंगी? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, पहले पर यूनिट पहले कह रहा है यार। हाँ जी ठीक है, मतलब करेंगे कैसे? ओवरहेड कॉस्ट बताएं कैसे निकालो? 60 × 200 और डिवाइडेड बाय 452 लिखे। ये अप्रोक्सीमेटली 26.55 ये, ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बारह हजार में कौन सा 3,000? नहीं, मेरा ख्याल है ये शामिल हो गया यार, ऑलरेडी इंक्लूडेड है 60 में यार, 60 जो रेट दिया हुआ है इंक्लूडिंग, ठीक है। अब ये 12,000 इसी को कह रहे हैं ना, ये 60 × 200 जो ये जो ओवरहेड वाला रेट लिया मैंने। जी सर, एक लास्ट रहता है जी, दोनों तरीके ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, हाँ जी, दो तरीके क्या हो सकते हैं? लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट प्लस करके 452 से डिवाइड कर दें, या शायद पहले डिवीजन हुई भी है। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों तरह करके देख लें। 17,200 लेबर कॉस्ट प्लस 60 × 200 लेबर प्लस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 452 यूनिट्स, 64.6 क्या है ये? कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, ऑब्वियसली ये किस किस का सम है, पर यूनिट आ गया हुआ है, दोनों प्लस भी किया जा सकता है, दोनों की बेस सेम।
जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लीजिए। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली शायद डाटा पढ़ के कोई वर्किंग करनी पड़नी है। अभी है 5-7 मिनट, अगर अगला सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ना ये नोट कर। 64.6 तक आ गया सर, बिकॉज आप लिख तो नहीं रहे। चलिए सर नंबर टू रिक्वायरमेंट एटलीस्ट देख लें। अ स्केड्यूल शोइंग डेली अर्निंग्स ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग, वंस अगेन ग्रुप लीडर कह रहा है, यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट एंड द कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, अज्यूमिंग अंडरलाइन कंपनी यूजेस ग्रुप बोनस स्कीम, ग्रुप बोनस प्लान विद 100% बोनस पर आर से। अब यहाँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट और सेकंड में बेसिक डिफरेंस एक क्या है, वहां वीक नहीं, वहां एक वीकली है। हाँ जी, एक तो डेफिनेटली बोनस का भी है, वहां वीक का इकट्ठा था, यहाँ डेली अब बताना। तो डेली मींस शायद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की अलग वर्किंग होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे अलग अलग वर्किंग करेंगे। तो चलिए ये इंशाल्लाह कल करेंगे। अब आपके जो क्वेश्चंस मैं देता जा रहा हूँ कहाँ तक पहुंचेंगे, नहीं थोड़े से बका वो कहाँ तक पहुंचा, फ्रांसिस्को के शुरू हुआ आता हो गया पौना हो गया बाद है। वो बेचारा है ही कितना। एक क्वेश्चन और दे दूं देने में क्या, जब कुछ दिन बाद कर दे जब वेले बैठे हैं। ये कल से कल देता हूँ, आप लोग फाइनल करें। खास तौर पे जरा अब अबील को जरा एक्स्ट्रा टाइम दे, वो मैक्सिमम देखें कहाँ तक खुद से होता है। अब अबील को जरा मैक्सिमम सोचने की कोशिश कर दो। नहीं बेटा ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं आइडिया एमएफए के सिलेबस में क्या क्या है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों ने ये कहा था कि टाइम वैल्यू मनी और बेटिंग के लेक्चर चाहिए, बाकी ये डेफिनेटली आपने खुद देखना। मुझे उसका नहीं पता कि उसके लेक्चर उसके सिलेबस में क्या क्या है, मुझे बच्चों ने सिर्फ ये कहा था टाइम वैल्यू मनी और बेटिंग के लेक्चर दे, वो तो बस मैंने वैसे ही दे दी, मैंने अभी सिलेबस देखा भी नहीं। ठीक है तो वो मैं ये उसके लिए ये सफिशेंट है या नहीं, ये मुझे नहीं आइडिया। अल्लाह हाफिज़। ये सर ईपीएस का टेस्ट दे दिया भाई नौजवानों ने, F1 वाले निकालें टाइम, साथ दिए निकालें टाइम।